press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर में बदमाशों ने एक बार फिर एटीएम को निशाना बनाया। स्टेशन रोड पर हर्षित टावर में लगे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को रात को गैस कटर से काटकर लूटने का प्रयास किया गया। सूचना पर सीओ सिटी दिनेश रोहड़िया मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। इस दौरान बताया जा रहा है कि आरोपी करीब 2 घंटे एटीएम में रहे और उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे भी कर दिया। अभी पुलिस और बैंक अधिकारी सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। ये रात में यहाँ गार्ड रहता है, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, वो गार्ड गायब हो गया रात को। उसके बाद यहाँ इसको प्रयास हुआ है चोरी करने का, वेल्डिंग मशीन से और ये गैस कटर से प्रयास किया है, पर स्प्रे किया कैमरों पे। और ये जो सुनिश्चित करने वाले लोग होते हैं वही हैं, अदरवाइज किसी की दूसरी हिम्मत नहीं पड़ती। गार्ड गायब हुआ है ये क्वेश्चनेबल है। गार्ड की 3 शिफ्टों में यहाँ गार्ड रहते हैं। कितना कैश था इसमें? कैश तो उन्होंने चेक कर रहे हैं, कैश कोई चोरी नहीं गया। 8 लाख रुपया से हाँ, वो भी चोरी नहीं गया, वो डिटेल दे रहे हैं, एग्जैक्ट डिटेल दे रहे हैं। और कैश चोरी नहीं गया, लेकिन वेल्डिंग मशीन अपने गैस कटर से इसको काटा और प्रयास किया कि निकल जाए। कोई सीसीटीवी में भी आया है, वो फुटेज दे रहे हैं। उधर बैंक अधिकारी ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को काटकर लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन गनीमत रही कि बदमाश इसमें सफल नहीं हो पाए। इस एटीएम में लगभग 8 लाख रुपए होना बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अलवर जिले में इससे पहले भी 3 PNB के एटीएम में इस तरह की वारदातें सामने आ चुकी है। गनीमत ये रही कि एटीएम में रखे पैसे लूटने से बच गए। आज रात में अभी हमारे हर्षिल टावर में 3B का एटीएम है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है, उसको तोड़ने की कोशिश की है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी उन्होंने तोड़ा है। अभी हमने उसका लॉक खोल के भी चेक किया तो रुपए की हानि नहीं हुई है, लेकिन एटीएम को उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। किस तरह से तोड़ा है उन्होंने? ये पूरे गैस कटर से आगे से काटने की कोशिश की, कुछ हिस्सा उन्होंने काटा गया, उसको तोड़ के आगे गिराया दिया। कुछ कैश वगैरह नहीं, कैश की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन पिछले दिनों में हमारे यहाँ बड़ौद ब्रांच में भी इस तरह की घटना हुई है, भिवाड़ी ब्रांच में भी हुई है और ततारपुर में भी इस तरह की घटना हुई है। तो PNB के लगातार 2-3 जगह पर इस तरह की घटना अभी हाल ही में हुई। कोई सीसीटीवी वगैरह? सीसीटीवी फुटेज हम आज उपलब्ध करवाएंगे पुलिस को, उसके बाद ही पता चलेगा। क्या नाम और पता है? मैं यहाँ पे अग्रणी बैंक प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ, शिवहरी मीणा मेरा नाम है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।